हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पढ़ाई हो रही है, बायो मॉलिक्यूल पढ़ा आपने? दो लेक्चर मैंने डाला है बायो मॉलिक्यूल में, पहला इंट्रोडक्शन था और दूसरा क्या, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन रिलेटेड पढ़ा था ना। अच्छा, बायो मॉलिक्यूल है क्या? बेसिकली इट इज़ द बायो मॉलिक्यूल के डेफिनेशन को तो हम लोगों ने पढ़ा था, बट बायोलॉजिकल साइंसेज में अगर देखें तो देर आर सो मेनी ब्रांचेज, सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जोलॉजी बॉटनी तो दो मेन ब्रांचेज हैं, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंस का ही एक सब टाइप है जिसमें हम लोग बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग अभी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ा था हम लोगों ने, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और बायोमॉलिक्यूल पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहीं भी आप जाएँ, सिर्फ स्ट्रक्चर को पढ़ें, जेनेटिक्स को पढ़ें या किसी भी टॉपिक में जाएँ, तो हर जगह आपको बेसिक कन्फिग्रेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बायोमॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, सेल स्ट्रक्चर को, जेनेटिक्स को या किसी भी प्लांट फिजियोलॉजी को इवन, तो आपको बायोमॉलिक्यूल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, खैर हम लोगों का बॉडी ही टोटल डिफरेंट कंपाउंड्स का बना हुआ है, डिफरेंट सब्सटेंसेस का बना हुआ है, जो ऑर्गेनिक भी हैं और इनऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा क्या है बताइए? सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है, जानते हैं ना। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है, लगभग 70%। सेल में भी सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है, लगभग 70%। और अर्थ पे भी सबसे ज्यादा वाटर है, दैट इज 70%। तो अप्रोक्स आप देख सकते हैं, अप्रोक्स अर्थ पे बॉडी में और सेल में लगभग 70% वाटर होता है, जो मेजर पार्ट है किसी भी मतलब लिविंग सिस्टम का। ठीक है, खैर आज का लेक्चर जो है ये कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर फंक्शन पे कन्फाइंड है, तो हम लोग देखेंगे अभी स्ट्रक्चर के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने बात किया था लास्ट लेक्चर में, कार्बोहाइड्रेट मेन चार टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। याद आया? मोनोसेक्राइड क्या था? मोनो मतलब सिंगल, सैक्राइड स्टैंड फॉर शुगर, सिंगल शुगर, मोनोसेक्राइड विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू एनी अदर शुगर, मतलब जिसको तोड़ने के बाद फिर से हमको शुगर नहीं मिलता हो। शुगर की क्या प्रॉपर्टी है देखेंगे हम लोग, अगर वो शुगर नहीं मिलता है, वो बेसिक कंपोनेंट में टूट जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, तो ऐसे ही शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसेक्राइड बोलेंगे। समझा आपने? जिसको तोड़ने के बाद फिर हम लोगों को कोई शुगर नहीं मिलता है, तो दे आर मोनोसेक्राइड। जैसे सिंपल आपने सुना होगा नाम, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, दे ऑल आर मोनोसेक्राइड। ठीक है, चलिए अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जो आज का लेक्चर है। बेसिकली सबसे पहले फिशर ने बताया था कि मोनोसेक्राइड एग्जिस्ट इन लीनियर फॉर्म, मतलब लीनियर एल्फेटिक फॉर्म में मोनोसेक्राइड्स होते हैं। आगे चल के उन्होंने ये बताया कि नहीं, लीनियर फॉर्म अनस्टेबल होता है, और आगे चल के उन्होंने ये बताया कि रिंग फॉर्मेशन में ऑकर इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में रिंग फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग एक रिंग लीनियर स्ट्रक्चर को। तो क्या बताया कि मोनोसेक्राइड दो मेन स्ट्रक्चर में अपियर होंगे, एक होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, दूसरा रिंग चेन स्ट्रक्चर। समझा आपने? एक ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, और दूसरा क्या, रिंग और साइक्लिक। तो क्या हुआ बताइए? मोनोसेक्राइड के दो स्ट्रक्चर होंगे, पहला होगा स्ट्रेट चेन वाला, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, दूसरा क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो चलिए, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाई फिशर, याद रहेगा फिशर। चलिए देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सोज है, पढ़ा था ना, 6 कार्बन कंपाउंड। फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। चलिए लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6 कार्बन कंपाउंड है। अब लास्ट डेफिनेशन को याद कीजिए, हम लोगों ने बताया था जो सबसे इम्पॉर्टेंट और एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। सुना था ना कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में आइदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो, लेकिन साथ में इसके मोर देन वन अल्कोहलिक ग्रुप हो, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो। तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और ये एल्डोज है। एल्डोज समझते हैं ना, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो वो एल्डोज होता है और जिसमें कीटोन हो वो कीटोज होता है। तो ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, दिख रहा आपको? अब देखिए, तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप तो मैंने लिख दिया, अब अल्कोहल की बात है। देख रहे हैं आप लोग,
क्या देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर मैंने जो OH ग्रुप लिखा है, हर कार्बन पे राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, ठीक है। लेकिन थर्ड कार्बन पे आप देखिए कि OH ग्रुप क्या है, बोलिए कहाँ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एट थर्ड कार्बन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल इज लेफ्ट टू द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के लेफ्ट में होता है OH इन ग्लूकोज। ये रहा सामने स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, देखा आपने, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग फीचर प्रोजेक्शन बोलेंगे। और ये सामने दिख रहा है आपको ग्लूकोज का लीनियर फॉर्म, देखा। अब ये बताइए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, बोथ आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल आइसोमर, याद आया ना, पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। ग्लूकोज क्या था बताइए, एल्डोज था। ग्लूकोज क्या है बताइए, एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ये एल्डोज है। और इसी का स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल आइसोमर है वो कीटोज है। कीटोज क्या है देखते हैं हम लोग, कीटोज जैसे फ्रुक्टोज को देखते हैं, तो फ्रुक्टोज को देखें तो आप देखें ऐसे, ये रहा सामने फ्रुक्टोज, देख रहे हैं ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हुआ। और फ्रुक्टोज में आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है और क्या है, कीटोन है, तो ये हो गया कीटोज। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप, इन केस ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट कार्बन इज फर्स्ट कार्बन इज कार्बोनाइल, आप देख रहे हैं ना, कार्बोनाइल का मतलब समझते हैं, कार्बोनाइल का मतलब है यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, यह है। बट ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में आप देखें सेकंड कार्बन इज कार्बोनाइल इन नेचर, दिख रहा है आपको, दिखा आपको, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाद में बताऊंगा, अभी ध्यान रखना है आपको कि इन केस ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट कार्बन इज एनोमेरिक, बताऊंगा एनोमेरिक क्या होता है, एनोमर क्या होता है, बट आप समझें ग्लूकोज के केस में फर्स्ट कार्बन कार्बोनाइल है जिसको हम लोग एनोमेरिक बोलेंगे, बट इन केस ऑफ फ्रुक्टोज बिकॉज इट इज कीटोज एंड कीटोज विल बी ऑलवेज सब टर्मिनल, इन केस ऑफ फ्रुक्टोज सेकेंड नंबर कार्बन इज एनोमेरिक, इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट हुआ ये, सामने आप देख रहे हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का लीनियर स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर गिवन बाई फिशर, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं आगे क्या क्या स्ट्रक्चर है। आगे चल के हैवोथ ने फिशर भी बता चुके थे एक्चुअली कि ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। हैवोथ ने बताया कि मोनोसेक्राइड मेक डिस्टिंक्ट टू साइक्लिक फॉर्म, किसने बताया, हैवोथ ने बताया कि मोनोसेक्राइड दो साइक्लिक फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। फिशर ने बताया था कि ओपन चेन जो है, स्ट्रेट चेन जो है, ये साइकिल का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन दो तरह के साइकिल का फॉर्मेशन कर सकता है, ये किसने बताया था, हैवोथ ने। और हैवोथ ने हैवोथ प्रोजेक्शन दिया, दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर दिया, एक पायरन रिंग बताया और दूसरा क्या, फ्यूरान रिंग बताया, क्यों बनाया ये समझते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, समझिए यहाँ पे, ये ग्लूकोज को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, तो ऐसा देखा उन्होंने, उनका ऑब्जर्वेशन रहा क्या रहा कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस पे लोन पेयर है, और ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ कार्बोनाइल कार्बन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, क्या देखा, ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज, द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज चेंजेस टू अपीयर एज रिंग फॉर्म, आया समझ में, यही क्या होगा, रिंग फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, क्यों रिंग फॉर्म में अपीयर होगा, समझा आपने, ये इंटरेक्शन होगा किसके बीच में, इस अल्कोहलिक ग्रुप और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा बताइए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्या बोलते हैं ये, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल ऑकर फॉर्मिंग रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ ध्यान से दे सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं सर ये क्यों नहीं है,
बिकॉज यहाँ पर अगर ये कार्बन ऐसा करेगा तो रिंग का में स्ट्रेन काफ़ी डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेन की वजह से वो जो साइकिल स्टेबल नहीं होगा। इसलिए देखा गया है कि ग्लूकोज में फिफ्थ नंबर हाइड्रोक्सिल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट फिफ्थ नंबर कार्बन विल रिएक्ट विथ फर्स्ट नंबर कार्बन द कार्बोनाइल कार्बन फॉर्मिंग रिंग स्ट्रक्चर एंड विच इज कॉमन इन केस ऑफ ग्लूकोज इज पायरन रिंग। क्या बोलते हैं? पायरन रिंग। चलिए मैं बनाता हूं सामने, देखिए ये देखिए पायरन रिंग के बारे में क्या बताया हेवोथ ने कि पायरन एक सिक्स मेंबर्ड रिंग होता है, ठीक है। इस सिक्स मेंबर रिंग में एक हमेशा ऑक्सीजन होगा और पांच क्या होंगे? कार्बन होंगे, ठीक है। तो चलिए ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक कार्बन यहां चलाए गए, ये सिक्स्थ, ठीक, देख रहे हैं इंटरेक्शन हुआ था। तो ये सेकंड नंबर कार्बन है तो ये हो गया एच ओ एच, यहां पर भी देख लेते हैं एच ओ एच दिख रहा है आपको, यहां देख लेते हैं ओ एच और H, OH, देखे तो ये ग्लूकोज था ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर इंटरैक्शन बिटवीन हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनाइल ग्रुप दिस साइक दिस स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर चेंजेस टू अपीयर एज रिंग स्ट्रक्चर इन पायरन फॉर्म। यही है पायरन रिंग स्ट्रक्चर जिसमें छह मेंबर होते हैं, छह मेंबर में पांच कार्बन और एक ऑक्सीजन होगा, देखा आपने। तो ये पायरन रिंग है, तो ये बेसिकली क्या हुआ बताइए, ये भी ग्लूकोज स्ट्रक्चर है बट ये क्या है बोलिए, ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है? पायरन रिंग फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? पायरन रिंग फॉर्म हो गया। तो इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोपायरनोज। ये सामने जो दिख रहा है इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बताइए? ग्लूकोपायरनोज। व्हेन ग्लूकोज अपीयर इन पायरन रिंग कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लूकोपायरनोज। ये सामने है आपके ग्लूकोपायरनोज। तो होपफुली आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाए होंगे, लीनियर स्ट्रक्चर क्या है, रिंग स्ट्रक्चर क्या है, इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए होंगे और ये भी जान पाए होंगे कि ये रिंग स्ट्रक्चर क्यों बन। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं फ्यूरान रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले फ्रुक्टोज को बनाते हैं, अभी देखा था आपने फ्रुक्टोज क्या है बताइए, कीटोज है, एल्डोज है, कीटोज है बिकॉज इट हैज कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो कीटोन तो हमेशा सब टर्मिनल होगा, ये बनाया था सेकंड कार्बन, थर्ड पे फिर ओ एच इधर है, एच एच एक दो तीन चार पांच और ये छह, ठीक है। फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या होता है फ्यूरान रिंग। ग्लूकोज यूजुअली ग्लूकोज का अगर हम लोग कन्फिग्रेशन देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो 99% अगर किसी सॉल्यूशन में देखा जाए तो 99% केस में ग्लूकोज विल एग्जिस्ट इन पायरन रिंग कन्फिग्रेशन। समझा आपने, पायरन रिंग कन्फिग्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, बट फ्रुक्टोज यूजुअली अपीयर इन फ्यूरान रिंग कन्फिग्रेशन। समझा आपने, ग्लूकोज यूजुअली किस फॉर्म में अपीयर होता है? पायरन रिंग में। और फ्रुक्टोज किस में अपीयर होता है? फ्यूरान रिंग में। बोथ आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आइसोमर, पढ़ा था ना, तो अभी देख रहे हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फिर से क्या होगा? ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन सेकंड नंबर एनोमेरिक कार्बन, अभी बताया था ना कार्बोनाइल कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में रिएक्शन होगा। देख लेते हैं, डायग्रामेटिक बनाता हूँ, ये हो रहा है रिएक्शन, देखा आपने, ठीक है। और इसी से क्या बनेगा? फ्यूरान रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देखते हैं कैसे बनता है। पायरन रिंग कितने मेंबर के थे? छह, इसमें कितने होंगे? पांच, वहां पे पांच कार्बन एक ऑक्सीजन, और फ्यूरान रिंग में क्या होगा बताइए? चार कार्बन एक ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? फाइव, दिख गया,
ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर कार्बन से इंटरेक्शन हुआ है रिंग स्ट्रक्चर में, ये सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, यही इन्वॉल्व है। मतलब ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड नंबर कार्बन है, ये फोर्थ नंबर कार्बन, ये फिफ्थ नंबर कार्बन, और ये रहा सिक्स नंबर कार्बन। तो ये देख लिया हम लोगों ने कैसे ये फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रुक्टोफ्यूरनोज। देखा आपने ये ओपन स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर था, एंड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूरान रिंग। फ्यूरान रिंग कंसिस्ट ऑफ फाइव मेंबर, आउट ऑफ विच फोर कार्बन एंड वन ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। ये देख लिया आपने, तो फाइनली ये फ्रुक्टोफ्यूरनोज है। फ्रुक्टोज इन फ्यूरान रिंग कन्फिग्रेशन, दैट इज फ्रुक्टोफ्यूरनोज। समझा आपने, तो ये बन गया। अब इसके साथ ही हम लोग और भी कुछ स्ट्रक्चर को साथ में देख लेते हैं, जैसे ग्लूकोज स्ट्रक्चर सामने देख सकते हैं आप। ग्लूकोज यहाँ पे पायरन रिंग स्ट्रक्चर में जो अभी ये ड्रॉ किया था, उसके बाद बगल में आपको फ्रुक्टोज दिख रहा है, ये कौन सा रिंग है बताइए, फ्रुक्टोफ्यूरनोज है, ये सामने दिख रहा है आपको। उसके बाद देखिए गैलेक्टोज, गैलेक्टोज गैलेक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, ठीक है। क्या डिफरेंस है ग्लूकोज में गैलेक्टोज में, हम लोग बात करेंगे, घबराइए मत, ये इपिमेरिक कंसेप्ट है, इपिमर है, बताऊंगा मैं क्या है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस। बट आप यहां समझें कि यहां पे गैलेक्टोज भी किस फॉर्म में बताइए, तो पायरन रिंग स्ट्रक्चर में है। चलिए हम लोग हेक्सोज के बाद पेंटोज शुगर को देखते हैं, जो बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेंटोज शुगर जिसका नाम है राइबोज शुगर। सुना है ना आपने, पेंटोज शुगर मतलब पांच कार्बन का मोनोसैकेराइड। फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O5, एंड द मोस्ट कॉमन पेंटोज शुगर इज कॉल्ड राइबोज शुगर, विच इज कॉमन इन, विच इज फाउंड इन RNA। किसमें पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड RNA, उसमें होता है, ठीक है। जैसे बताया था कि ग्लूकोज दोनों फॉर्म में होता है, पायरन रिंग में भी, फ्यूरान रिंग में भी, उसी तरह फ्रुक्टोज भी पायरन रिंग में भी होता है, फ्यूरान रिंग में भी होता है, लेकिन मोस्टली किस फॉर्म में होता है बताइए, तो फ्रुक्टोज होता है फ्यूरान रिंग में और ग्लूकोज होता है पायरन रिंग में, पढ़ा था ना। लेकिन समझना, ये जो राइबोज शुगर है विच इज फाउंड इन RNA, मोस्टली नहीं कहेंगे, हमेशा RNA में, हमेशा किस फॉर्म में होगा, तो फ्यूरान रिंग कन्फिग्रेशन में होगा। तो व्हेन राइबोज शुगर अपीयर इन फ्यूरान रिंग कन्फिग्रेशन, इट इज कॉल्ड राइबोफ्यूरनोज। क्या बोलेंगे, राइबोफ्यूरनोज। तो चलिए अभी देखते हैं राइबोफ्यूरनोज का स्ट्रक्चर क्या, जल्दी से ड्रॉ करते हैं। फ्यूरान रिंग पांच मेंबर रिंग है, जिसमें एक ऑक्सीजन होगा और क्या होंगे बताइए, चार कार्बन होते हैं, तो एक दो तीन, और ये हो गया फ्यूरान रिंग, पांच मेंबर, चार कार्बन, एक ऑक्सीजन, लेकिन ये पेंटोज शुगर है तो पांच कार्बन होगा, तो ये कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, और ये रहा कार्बन नंबर फाइव। दिख गया, पेंटोज शुगर है, फ्यूरान रिंग में है, कौन सा पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर बना रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं HOH ये देखिए सामने आपको दिख गया, कौन सा फॉर्म क्या दिख रहा है आपको बताइए, कौन सा शुगर है ये, राइबोज शुगर, जिस जो कहां मिलता है RNA में, कौन सा फॉर्म है ये, फ्यूरान रिंग। तो ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, राइबोफ्यूरनोज। समझा आपने, राइबोज शुगर इन फ्यूरान रिंग कन्फिग्रेशन। अब देखते हैं, कई बार हमने बोला आपको अल्फा, ये एनोमेरिक कार्बन क्या है, तो बेसिकली समझना है वो कार्बन जो कार्बोनाइल है, जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड था, याद आया ना, उसको हम लोगों ने एनोमेरिक बोला था। तो यहां हाँ, तो बताया आपको कि ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, इन केस ऑफ राइबोज शुगर, दिस कार्बन नंबर फर्स्ट इज कार्बोनाइल इन नेचर एंड इट्स कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोमेरिक कार्बन। अब देखिए यहाँ पे, इस कार्बन पे OH ग्रुप बिलो द प्लेन है ना, और हाइड्रोजन ऊपर है। इस ये जो एनोमेरिक फॉर्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा एनोमेरिक फॉर्म। क्या बोलते हैं बोलिए, अल्फा एनोमेरिक फॉर्म। तो बोलिए बीटा क्या होता है, ये अल्फा बीटा क्या है, तो एनोमर्स हैं, मतलब मोनोसेक्राइड अपीयर इन टू एनोमेरिक फॉर्म, अल्फा एनोमेरिक फॉर्म एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म। सुना होगा आपने अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, सुना है ना, स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज है, सेलोज में बीटा ग्लूकोज है, तो क्या डिफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन, क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड अपीयर इन टू फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड एनोमर्स, ठीक है। तो जब OH ग्रुप बिलो द प्लेन होता है तो अल्फा एनोमर, और यही OH ग्रुप अगर अबव द प्लेन हो जाए
तो इसको बोलेंगे हम लोग बीटा आर्मर। क्या बोलेंगे बताइए? बीटा आर्मर। तो याद रखना आरएनए में हमेशा कौन सा राइबोस का एनोमेरिक फॉर्म है? ऑलवेज बीटा एनोमर होता है। कौन सा टाइप होगा? ऑलवेज बीटा एनोमर। समझा आपने? तो होपफुली आप समझ गए होंगे अल्फा एनोमर क्या होता है, बीटा एनोमर क्या होता है, ये आराम से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा, जैसा रिव्यू देखें क्या क्या है। तो ये देखा हम लोगों ने ग्लूकोज का पायरन रिंग स्ट्रक्चर देख लिया, फ्रुक्टोज का फ्यूरान रिंग स्ट्रक्चर देख लिया है, ये सामने गैलेक्टोज भी है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। कौन सा रिंग है बताइए? बताइए कौन सा रिंग है? ये है पायरन रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, राइबोस शुगर ये सामने है। अच्छा हाँ, इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर। सुना है ना आपने? कौन सा शुगर है बताइए? डीऑक्सीराइबोस शुगर। बताइए राइबोस शुगर किसमें होता है? आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोस शुगर इज फाउंड इन विच न्यूक्लिक एसिड? दैट इज डीएनए। किसमें पाया जाएगा? डीएनए में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं डीएनए का, डीएनए में पाए जाने वाला जो पेंटोस शुगर है वो कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है? सिंपली व्हेन वी रिमूव, समझना है, डीऑक्सी डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन, समझना है राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है। डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड नंबर कार्बन, सुना आपने, डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड नंबर कार्बन ऑफ राइबोस कंस्टिट्यूट डीऑक्सीराइबोस शुगर। देखा आपने क्या है, समझिए, यहाँ OH हो जाए तो क्या है, ये राइबोस शुगर है, और अगर यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, समझ रहे हैं ना, ठीक है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया जाए, कहाँ से, सेकेंड नंबर कार्बन से कर दिया जाए, तो रिजल्टिंग शुगर इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर विच इज फाउंड इन डीएनए। अब आप सामने देखिए ये कौन सा फॉर्म है डीएनए का? फ्यूरान रिंग है, पायरन रिंग है, तो ऑब्वियसली ये फ्यूरान रिंग है, तो इसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोफ्यूरानोज। पूरा नाम क्या हो गया बोलिए? डीऑक्सीराइबोफ्यूरानोज। क्लियर है? अब बताइए अगर यहां पे ये कार्बन दिख रहा है एनोमेरिक है, अगर ये OH ग्रुप बिलो हो जाता तो क्या होता बताइए जल्दी से? अल्फा एनोमर। लेकिन हमेशा 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 किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए हो या आरएनए हो, ऑलवेज बीटा एनोमेरिक फॉर्म इज फाउंड, मतलब OH ग्रुप अबव द प्लेन होगा, नीचे क्या है? हाइड्रोजन होगा। तो याद रहेगा इसका नाम क्या हो गया बोलिए? बीटा डीऑक्सीराइबोफ्यूरानोज फाउंड इन डीएनए। तो इस तरह से हम लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर को भी देख लिया है, एनोमेरिक कार्बन और एनोमर को भी देख लिया है। एक बार देख ले फिगर में क्या क्या है। तो ये राइबोस शुगर देख लिया हम लोगों ने, डीऑक्सीराइबोस शुगर भी देख लिया, समझा आपने, व्हाट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर? डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड नंबर कार्बन ऑफ राइबोस कंस्टिट्यूट डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो यहां से हम लोग देख चुके हैं एनोमर देख चुके, ठीक है, और ये देखिए कैसे हम लोग बता रहे थे अभी, सामने है OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन बिलो द प्लेन होगा तो अल्फा एनोमर, अबव द प्लेन होगा तो बीटा एनोमर। ये सामने दिख रहा है आपको फीचर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का है, दिख रहा है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये देखिए रिएक्शन हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग एपिमर्स देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एनोमर, एनोमर में क्या था बताइए? कार्बोनाइल कार्बन को हम लोगों ने एनोमेरिक कार्बन बोला था, और उस एनोमेरिक कार्बन पर अगर OH ग्रुप, समझ रहे हैं, OH ग्रुप बिलो द प्लेन हो जाए तो क्या बोलेंगे? अल्फा एनोमर, अबव द प्लेन हो जाए तो बीटा एनोमर। ये बात खत्म हो गई, एनोमर समझ गए। अब देखिए एपिमर, एपिमर्स आर अगेन स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है, बट दे डिफर विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन का पोजीशन यहां पे चेंज होगा, लेकिन कार्बोनाइल कार्बन पे नहीं, अदर देन कार्बोनाइल कार्बन। समझ में आया? देखते हैं अभी, याद कीजिए स्ट्रक्चर सामने भी आप देख सकते हैं और भी ड्रॉ भी किया था ग्लूकोज में, जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था याद कीजिए, तो क्या देखा था आपने कि थर्ड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड था, बाकी सारे OH ग्रुप राइट हैंड साइड थे, ठीक है। ये तो ग्लूकोज स्ट्रक्चर याद हो गया, क्या याद हुआ? थर्ड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, otherwise all hydroxyl appear at right hand side in linear form, इसी के अकॉर्डिंग साइकिल बन जाएगी, ठीक है। अब अगर बोले कि मैनोज इज एपिमर ऑफ ग्लूकोज, देन वॉट इज द डिफरेंस? तो आपको समझना है कि ग्लूकोज में सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड था ना, लेकिन मैनोज में सेकेंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप
लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। आया समझ में? समझा कुछ? फिगर सामने है, कोरिलेट कर सकते हैं। फिर एक बार बोलते हैं, मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज में सिर्फ थर्ड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड है, बट मैनोज में सेकंड और थर्ड दोनों कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी बचे राइट हैंड साइड है। दैट्स इट, क्लियर है? अब देखते हैं गैलेक्टोज के बारे में। गैलेक्टोज इज अगेन एपिमर ऑफ ग्लूकोज। गैलेक्टोज का भी एपिमर है ग्लूकोज का। देन व्हाट इज द डिफरेंस? अगर बात करें तो फिर याद करते हैं, ग्लूकोज में सारे OH ग्रुप राइट हैंड साइड थे एक्सेप्ट थर्ड, ठीक है? अब समझना है आपको, गैलेक्टोज में फोर्थ नंबर कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। समझा आपने? फोर्थ नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ बताइए? गैलेक्टोज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन लेफ्ट हैंड साइड बोथ एट कार्बन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। आया समझ में? थर्ड और फोर्थ पे लेफ्ट हैंड साइड होंगे गैलेक्टोज में, है ना? थर्ड और फोर्थ पे, और बाकी सारे क्या होंगे? राइट हैंड साइड होंगे। तो यही डिफरेंस है ये एपिमर का, आप सामने देख सकते हैं। तो मैनोज इज C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज इज C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। तो ये काम हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे है रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। ये देखिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेसिकली ये केमिकल प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोरिलेटेड है बेसिकली, कि कार्बोनाइल ग्रुप जो भी होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो होते हैं, वो कुछ रिएक्शंस शो करते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये खुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। बात को समझिए कि दूसरे को क्या करेंगे, ये रिड्यूसिंग शुगर हैं तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है? तो व्हाट आर द रिएजेंट्स कॉमनली? तो बेंडिक रिएजेंट हो, फेहलिंग हो या टोलेंस रिएजेंट हो, ठीक है, इन केमिकल्स के सेंसिटिविटी और रिएक्टिविटी के बेसिस पे वी कैन से पर्टिकुलर शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि सारे के सारे मोनोसैकेराइड, मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड एक्सेप्ट फ्यू, जैसे सुक्रोज ट्रिहेलोज बात करेंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर। समझा? सारे मोनोसैकेराइड, मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड, मोस्ट ऑफ द ऑलिगोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स आर ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग नेचर। मतलब पॉलीसैकेराइड को क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। मतलब वो किसी भी हालत में इन सॉल्यूशंस को, टोलेंस, बेंडिक्ट या फेलिंग को रिड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर है? तो होता क्या है, सिंपल समझिए कि ये जो केमिकल्स हैं, ये इधर क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है या सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, इनसे जब रिएक्शन होता है, तो सिंपल समझिए, तो इन जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो या कॉपर हाइड्रोक्साइड हो, इसमें इनका क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है? और शुगर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन समझते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, समझते हैं ना? तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिंपली अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग कि कॉपर हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्ट करता है कोई रिड्यूसिंग शुगर, तो क्या होता है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड में जो क्यूप्रिक आयन है, इट विल चेंज इनटू क्यूप्रस आयन। क्या हो जाएगा बोलिए? क्यूप्रिक आयन विल चेंज इनटू क्यूप्रस आयन। ये सामने देख सकते हैं। तो ये क्यों है समझना है कि जिस कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनाइल ग्रुप समझा आपने, कार्बोनाइल ग्रुप मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप फ्री होता है, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग इन नेचर। समझा? कार्बोहाइड्रेट्स इन विच एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रिमेन फ्री सो दैट दे कैन रिएक्ट विद दिस रिएजेंट, ठीक है, सच शुगर्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। आया समझ में? जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है उस पे, समझ रहे हैं ना? तो एनोमेरिक कार्बन फ्री हो, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री हो, तब वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग। अदरवाइज अगर वो एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा बताइए? नॉन रिड्यूसिंग। फिर से समझिए क्या है, एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री है, फ्री टू रिएक्ट विथ दीज रिएजेंट, देन दैट शुगर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। और इफ एनोमेरिक कार्बन इज एंगेज्ड, ऑलरेडी एंगेज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, देन इट विल बी अनेबल टू रिड्यूस दीज रिएजेंट, देन शुगर इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। होपफुली समझ गए होंगे, अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है?
हाँ तो बच्चों अब आ रहे हैं हम लोग डाइसेक्राइड पे। मोनोसेक्राइड तो पढ़ लिया, समझ लिया, एनोमर एपिमर, ठीक है, ध्यान से लेक्चर को देखेंगे एकदम समझ में आएगा, ठीक है। एनोमर क्या होता है, एपिमर क्या होता है, ये सारा कुछ डिफरेंस समझ लिया हम लोगों ने। पायरन रिंग क्या होता है, फ्यूरान रिंग क्या होता है, ये भी समझ लिया हम लोगों ने। अब है मोनोसेक्राइड के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं डाइसेक्राइड। डाई मीन्स टू, सेक्राइड मीन्स शुगर, मतलब कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ या कंपाउंड विच इज फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ टू मोनोसेक्राइड। ऐसा कंपाउंड जो दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनता है क्या कहलाता है, डाइसेक्राइड। या फिर एक और डेफिनेशन हो सकता है, व्हेन वी हाइड्रोलाइज डाइसेक्राइड वी गेट टू मोनोसेक्राइड, मतलब डाइसेक्राइड के हाइड्रोलाइज करने से हम लोगों को क्या होगा, दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको तोड़ने से दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं क्या कहलाता है, डाइसेक्राइड। क्लियर है, ठीक है। तो बहुत सारे डाइसेक्राइड होते हैं जिसमें कॉमन हम लोग पहले नाम मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले नाम कर लेते हैं सुक्रोज का, सुना होगा आपने, ये टेबल शुगर है। माल्टोज का माल्ट शुगर है, ठीक है, माल्टोज है। फिर और भी देखेंगे आज हम लोग, सेलोबायोज है, ये भी डाइसेक्राइड है, ठीक है, ट्रिहलोज है, ये भी डाइसेक्राइड है। तो दीज आर डाइसेक्राइड ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट काइंड, देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के डाइसेक्राइड होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सुक्रोज द टेबल शुगर। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हम लोग, सुक्रोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं सुक्रोज क्या है। सुक्रोज के बारे में तो बेसिक बात आपको पता है कि सुक्रोज यही टेबल शुगर है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं शुगर, यही है वो टेबल शुगर, विच इज कॉमनली ऑप्टेन फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन और ऑप्टेन फ्रॉम शुगर केन, शुगर बीट, ये सब जो प्लांट्स हैं उनसे ये मिलता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। बट इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म विच इज बींग ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का, वो सुक्रोज के फॉर्म में ही किया जाता है, वाया सीव ट्यूब और फ्लोएम के थ्रू जाता है, समझ रहे हैं ना। तो मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट इज सुक्रोज, ठीक है। अगर और एनसीईआरटी तो ऐसा भी मेंशन करता है कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है, सुक्रोज है, टेबल शुगर है, ठीक है। व्हाट इज सुक्रोज, तो इट इज डाइसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ वन ग्लूकोज एंड वन फ्रुक्टोज। एकदम कैटेगरिकल एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। सुक्रोज डाइसेक्राइड है, सुक्रोज के फॉर्मेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, एक फ्रुक्टोज चाहिए, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, ग्लूकोज कैसा चाहिए, अल्फा एनोमर चाहिए, बीटा एनोमर चाहिए, तो अल्फा एनोमेरिक फॉर्म चाहिए। ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म चाहिए, अल्फा एनोमर, और फ्रुक्टोज का कौन सा फॉर्म चाहिए, बोलिए, बीटा एनोमर, ठीक है, ठीक। आगे ग्लूकोज, ग्लूकोज का कौन सा रिंग स्ट्रक्चर चाहिए, पायरन चाहिए, फ्यूरन चाहिए, तो ग्लूकोज का चाहिए पायरन रिंग फॉर्म, क्या चाहिए, पायरन रिंग फॉर्म। और फ्रुक्टोज का क्या चाहिए बताइए, फ्यूरान रिंग फॉर्म, क्या चाहिए, फ्यूरान रिंग फॉर्म। और तब इन दोनों के मिलने से जो शुगर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सुक्रोज। तो चलिए बनाते हैं, सामने देखिए, थोड़ा टाइम लेंगे, बोर्ड पे बनाएंगे जिससे आप अच्छे से एक एक चीज को समझ पाएं। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अल्फा ग्लूको पायरनोज। अभी क्या बनाने वाले हैं, अल्फा ग्लूको पायरनोज, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे नॉमेनक्लेचर, चलिए देखते हैं। तो ये रहा अल्फा फॉर्म है, एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज का ये, तो बताइए अल्फा फॉर्म में OH ग्रुप बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, तो ये हो गया अल्फा, है ना, तो हो गया बिलो द प्लेन, ये H, फिर यहाँ H, OH, जानते हैं थर्ड नंबर कार्बन पे अपोजिट होता है, OH, H, फिर से H, और ये OH, ये सामने दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, अल्फा ग्लूको पायरनोज। नंबरिंग भी कर दें, देखते हैं, फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, थ्री नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, एंड सिक्स नंबर, क्लियर। अब आराम से रिलैक्स होके बनाते हैं फ्रुक्टोज। क्या बनाना है हम लोगों को, फ्रुक्टोज बनाना है लेकिन बीटा एनोमेरिक फॉर्म में बनाना है और फ्यूरान रिंग कॉन्फ़िगरेशन में हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्यूरान रिंग कॉन्फ़िगरेशन में है तो चलिए फ्यूरान रिंग बनाए हम लोग। फ्यूरान रिंग कितने कार्बन का हो, कितने मेंबर का होता है बताइए, पांच मेंबर का, जिसमें चार कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन, ठीक। तो यहां देख रहे हैं हम लोग, ये देखिए आप, ये अल्फा ग्लूको पायरनोज है और ये
बीटा फ्रुक्टोफेरनोज है। अब इन दोनों में बॉन्डिंग करना है, कौन सा रिएक्शन है, ग्लाइकोसाइडेशन। रिजल्टिंग बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोजिडिक बॉन्ड और विच इज फॉर्म बाई द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ देख रहे हैं ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, एनोमेरिक है, ये दिख रहा है ये कार्बन नंबर सेकंड है जो एनोमेरिक है। इसी पे देखिए बिलो द प्लेन है तो ये क्या है, अल्फा एनोमर है, और ये अबव द प्लेन है OH ग्रुप, क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर है। ठीक है, जानते हैं ना कि सुक्रोज के केस में सेकंड नंबर कार्बन एनोमेरिक होता है। और अब यहीं पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। यहां ध्यान दीजिए, तो ये OH है और ये हाइड्रोजन है, ये रिमूवल ऑफ वाटर होगा, यहां से ये रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, माइनस H2O, और यहां से मैं रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान दीजिए क्या किया, ये रिमूव हो गया एंड द रिजल्टिंग बॉन्ड इज कॉल्ड, आप बताइए इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, बताइए बताइए क्या बॉन्ड होगा, बॉन्ड का क्या नाम होगा। इसमें बोलिए कार्बन नंबर वन है, ठीक है, अल्फा C1, ठीक है, और ये क्या था बोलिए, अल्फा नंबर था और ये बीटा नंबर था, मतलब बीटा C2, बीटा एनोमेरिक फॉर्म C2 कार्बन, अल्फा एनोमेरिक फॉर्म C1 कार्बन। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज, या सिंपली क्या बोलेंगे बताइए, बताइए मुझे। ठीक है, 1-2 ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा, 1 अल्फा 1 एंड बीटा 2, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज इज फाउंड इन सुक्रोज। होपफुली आप समझ पाए होंगे सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो इसमें एक अल्फा नंबर है और एक बीटा नंबर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, है ना, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं माल्टोज के स्ट्रक्चर को। माल्टोज माल्ट शुगर है, ठीक है, समझ रहे हैं, जितने भी सिरल्स हैं, जो भी अनाज है, इनमें मौजूद होता है माल्ट शुगर, माल्टोज, ठीक है, स्टार्च के डाइजेशन से भी माल्टोज का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हैं। और माल्टोज है क्या, तो इट इज द डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज मोनोमर, 2 ग्लूकोज मोनोमर से मिलने से क्या बोलता है, माल्टोज मिलता है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल कौन से एनोमेरिक फॉर्म में होंगे, अल्फा एनोमेरिक फॉर्म में होंगे, एंड बोथ अपीयर इन पायरन रिंग कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं, तो अभी ड्रॉ कर रहे हैं माल्टोज स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए जल्दी से फास्ट में बना देता हूं। देखिए ये ऑब्वियस है कि हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन है, ये CH2OH, ठीक है, लिख देता हूं 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, ये समझ रहे हैं, ये हो गया H OH OH H H OH। ठीक है, अब बताइए अल्फा नंबर बीटा नंबर, अल्फा नंबर, अल्फा नंबर का मतलब क्या है, OH ग्रुप बिलो द प्लेन ऑन एनोमेरिक कार्बन, तो OH ग्रुप बिलो आ गया और हाइड्रोजन ऊपर हो गया, ये हो गया अल्फा एनोमर, कौन सा, अल्फा ग्लूकोपाइरनोज, समझ रहे हैं ना, अल्फा ग्लूकोपाइरनोज। फिर सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे अल्फा ग्लूकोपाइरनोज, जल्दी से बना देता हूं, ध्यान दीजिए, फिर से 1 कार्बन 2 3 4 5, ये हो गया 5 रिंग, और ये 6th पे फिर से CH2OH, फिर यहाँ पे HOH, यहाँ पे OH H, फिर यहाँ HOH, फिर बताइए कौन सा फॉर्म अल्फा नंबर है, मतलब OH ग्रुप बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ये देखिए एग्जैक्ट फिगर है, ये भी अल्फा ग्लूकोपाइरनोज, ये भी अल्फा ग्लूकोपाइरनोज। अब समझना है इन केस ऑफ माल्टोज 2 ग्लूकोज मोनोमर, 2 ग्लूकोज मोनोमर आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ, ध्यान दीजिएगा, α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोला, कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान दीजिए यहां कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, अब बताइए यहां पे, बताइए मुझे जल्दी से, ये इस ग्लूकोज के केस में दिस C1 इज एनोमेरिक, ठीक है, यहां पर भी दिस C1 इज एनोमेरिक, क्लियर है। अब देखिए तो बॉन्डिंग ऑकर बिटवीन कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर फोर्थ, मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 4, तो देयर विल बी ग्लाइकोसाइडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां ध्यान दीजिए जल्दी से, यहां पे फिर क्या होगा बताइए, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा, यहां से माइनस H2O, ये रिमूव कर रहा हूं मैं जल्दी से, ये वाटर रिमूव हो गया एंड द रिजल्टिंग बॉन्ड इज कॉल्ड, द रिजल्टिंग बॉन्ड इज कॉल्ड, बोलिए क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, बोलिए अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज, इज इट क्लियर।
100% समझ पा रहे हैं माल्टोस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये माल्ट शुगर है, डाइजेशन से, स्टार्च के डाइजेशन से बनता है, माल्ट शुगर है, डिफरेंट टाइप के सीरियल्स में, अनाज में, पोटैटो में, इन सब जगह पे मौजूद है। देख लिया आपने माल्टोस का स्ट्रक्चर को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड एक। अच्छा हाँ, यहीं पे जरा सा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिए, जैसे भी बताया था अभी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है व्हेन शुगर्स कैन रिड्यूस सर्टेन रिएजेंट लाइक बेंडिक टॉलेंस एंड फेलिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर इन रिएजेंट्स को रिड्यूस कर पाते हैं ड्यू टू फ्री एनोमेरिक कार्बन। जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है रिएक्शन के लिए वो रिड्यूसिंग शुगर, और जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे देखते हैं, ध्यान दीजिए, तो जैसा सिंपल समझिए, यहाँ पर माल्टोस का फॉर्मेशन हो रहा है, डाइसैकेराइड हो रहा है, ये वाला कार्बन जो एनोमेरिक है ग्लूकोज का, इट इज एंगेज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दिख रहा है ना, बट इट इज बॉन्डेड विद कार्बन नंबर फोर्थ। माल्टोस में देखें तो यहां पर ये जो एनोमेरिक कार्बन है इट इज फ्री फॉर रिएक्शन विद टोलेंस बेंडिक्ट और फेलिंग रिएजेंट, दिख रहा है ना, ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है। तो ये रिएक्ट करेगा, ये वाला कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा किससे, रिड्यूसिंग शुगर के साथ करेगा ना। तो क्या होगा, माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर होगा, नॉन रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट हैज फ्री एनोमेरिक कार्बन, जबकि ये वाला एनोमेरिक कार्बन फ्री है, ये वाला फ्री है नहीं, इंगेज है। और अगर दोनों एनोमेरिक कार्बन अगर इंगेज हो जाते, जैसा कि यहां नहीं है, यहां पर दो एनोमेरिक कार्बन है, दिख रहे हैं, दोनों इंगेज है बॉन्ड फॉर्मेशन में, नहीं, एक इंगेज है और एक फ्री है। तो फ्री है तो देन इट विल रिएक्ट विद रिड्यूसिंग, सॉरी, दिस रिएजेंट टोलेंस बेंडिक्ट ऑफ फेलिंग, सो माल्टोज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। समझा, अभी प्रीवियस फिगर को आप ध्यान दीजिए, लेक्चर को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। शुक्रोज में याद कीजिए, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक था, शुक्रोज का कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक था, एंड बोथ आर एंगेज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब देर इज नो फ्री एनोमेरिक कार्बन इन केस ऑफ शुक्रोज। तो शुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर होगा या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। अब समझे, तो क्लियर हुआ, ये हम लोगों ने देख लिया माल्टोस के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं अगला सेलोबायोज। अगला पढ़ते हैं हम लोग क्या, सेलोबायोज। सेलोबायोज बेसिकली डाइसैकेराइड है, और कई बार सेलोज के डाइजेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। सेलोज का डाइजेशन हम लोगों में पॉसिबल नहीं है, समझते हैं, तो कई सारे मतलब रोमिनेंट्स में, कैटल्स में सेलोज का डाइजेशन होता है, और नेचुरली भी सेलोबायोज पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेलोबायोज का फॉर्मेशन। अगला जो डाइसैकेराइड है हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेलोबायोज। क्या है ये, सेलोबायोज, ठीक है, इट इज डाइसैकेराइड, समझ रहे हैं, सेम जा रहा है, ठीक है, डाइसैकेराइड है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज मोनोमर, अरे यार ये तो माल्टोस जैसा ही हो गया, था ना, दो माल्टोस था, याद है, दो माल्टोस में 2 ग्लूकोज थे, यहां भी है, लेकिन फर्क समझना है, माल्टोस में 2 अल्फा एनोमर्स आर इन्वॉल्व, इन केस ऑफ सेलोबायोज 2 बीटा एनोमर्स आर इन्वॉल्व। डिफरेंस समझ रहे हैं, सेलोबायोज में क्या होगा बोलो, बीटा एनोमर एनोमेरिक फॉर्म होगा, और रिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, पायरन रिंग ही होगा। तो चलिए अब जल्दी से आपको सेलोबायोज बना के दिखाते हैं, जिससे कि जो भी रहा सा आपका कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए फाइनली। तो फिर से बनाते हैं, देखिए तो जल्दी से, ये बना रहे हैं, ये बनाया मैंने ग्लूकोज, ठीक है, 3, 4, 5 और ये 6 CH2OH, ठीक है, पेशेंस रखिए, बस 10 से 20 सेकंड में मैं ये काम कर लूंगा, घबराइए मत, OH हो गया, देख सकते हैं आप, 10 से 20 सेकंड लगा होगा। अब देखिए तो ये बीटा एनोमेरिक फॉर्म में, बीटा एनोमेरिक फॉर्म का मतलब क्या है, OH ग्रुप अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो बताइए जल्दी से, अबव द प्लेन, तो ये हो गया OH ग्रुप, और ये हो गया, तो ये सामने है बीटा ग्लूकोपायरनोज, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहां देखिए जल्दी से, ये स्ट्रक्चर है 1, 2, 3, ये हो गया, ठीक है, फिर ये है, ये रहा OH, ठीक, यहाँ पे H, यहाँ OH, यहाँ OH, H, OH, बताइए बीटा नंबर है, बीटा नंबर मतलब OH ग्रुप अबव द प्लेन या हाइड्रोजन है, तो ये बन गया आपको फिर से, ये दोनों रेप्लिका है, 2 बीटा नंबर बन गए। अब हम लोगों को बनाना है सेलोबायोज, मतलब दोनों मोनोसैकेराइड को जोड़ेंगे तब डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ देखे तो यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट, ये देखिए, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, समझ रहे हैं, 5 एंड 6, ठीक है, और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
पक्का। अब देखिए तो बॉन्डिंग किसके किसके बीच में हो रही है, यहां पे C1 इज एनोमेरिक, हियर अगेन C1 इज एनोमेरिक, बट बॉन्डिंग ऑकर इन बिटवीन कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर फोर्थ, तो फिर से कौन सा रिएक्शन होगा, ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कब कैसे होगा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर का रिमूवल होगा, इसको कंडेंसेशन भी कुछ बुक लिखते हैं, कुछ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी लिखते हैं, याद रहेगा। और यहाँ पर देखे तो फिर से हम लोग यहाँ पे वाटर को रिमूव करने की कोशिश में हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये देखिए ये रहा, ये वाटर का रिमूवल हो जाएगा, दिख रहा है आपको, तो ये वाटर का रिमूवल हुआ ना, और ये बन गया सेलोबायोस, द डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ 2 बीटा एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड दिस रिजल्टिंग बॉन्ड इज कॉल्ड, बोलिए बीटा या अल्फा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आया समझ में, ये क्या हो गया, बोलिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब माल्टोज और सेलोबायोस इन दोनों में क्या फर्क हुआ, माल्टोज अल्फा एनोमेरिक फॉर्म से बना हुआ है, सेलोबायोस बीटा एनोमेरिक फॉर्म का बना हुआ है, माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सेलोबायोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया सेलोबायोस, तो इतना काफी है स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। अगर आप फिर से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को बताना चाहे तो बताइए, खुद से बताइए जल्दी से, ये रिड्यूसिंग होगा या नहीं, होगा, पक्का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एनोमेरिक कार्बन तो इंगेज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, बट दिस एनोमेरिक कार्बन इज फ्री फॉर रिएक्शन with tolins bendic reagent, so cellobiose is again reducing in nature. तो जैसा बताया था कि all monosaccharide, ठीक है ना, most of the disaccharide, ठीक है, are reducing in nature and polysaccharides are never reducing, they are always non-reducing in nature. Polysaccharides हमेशा क्या होते हैं, non-reducing होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने disaccharide देख लिया है, जल्दी से structure देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है maltose, lactose, cellobiose, trehalose, sucrose, maltose, ये हो गया digestible disaccharide में sucrose, lactose milk sugar कहलाता है, जानते हैं milk में है milk sugar, it is again disaccharide composed of 1 glucose and 1 galactose. इपिमर में पढ़ चुके हैं, तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के मिलने से क्या बनता है, लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको लैक्टोज, माल्टोज पढ़ ही चुके हैं, आपके केमिकल स्ट्रक्चर अभी आपको बना के दिखाया, कुछ एग्जांपल हैं, जरूर लर्न करें। जैसे माल्टोज का फॉर्मेशन होता है, ये अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है C1C4 लिंकेज से, आइसो माल्टोज है C1C6, समझे, अगर 1,4 के बीच में हो रहा है तो माल्टोज बोलेंगे, और कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सिक्स लेकिन अल्फा एनोमेरिक फॉर्म में ही, तो क्या बोलेंगे, आइसोमाल्टोज बोलेंगे, ठीक है। लैक्टोज में देखिए बीटा एनोमेरिक फॉर्म इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट होगा, लैक्टोज के फॉर्मेशन में क्या है, बीटा ग्लूकोज है और बीटा गैलेक्टोज है, इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज आपको बना के दिखाया, सुक्रोज के केस में ग्लूकोज अल्फा एनोमेरिक फॉर्म में होगा और फ्रुक्टोज बीटा एनोमेरिक फॉर्म में होगा, बता चुके हैं, सेलोबायस बना चुके हैं। एक और है ट्रिहलोज, अगर कहें तो मैं बना दूं ऐसे, होपफुली आपको मुझे नहीं लगता है कि ट्रिहलोज समझने में दिक्कत होगी। ट्रिहलोज बेसिकली समझना है कि ट्रिहलोज इज डाइसैकेराइड, इट इज कॉमन इन द लिम्फ ऑफ इंसेक्ट, कहां पाया जाता है, लिम्फ में, हीमोलिम्फ बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कहलाता है सिंपली, ये इंसेक्ट्स में, ये एनर्जी स्टोरेज की तरह काम करता है, एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है ये ट्रिहलोज, और इट इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ अगेन 2 glucose मोनोमर, किससे मिलकर बनता है, 2 glucose मोनोमर से मिलकर बनता है। और ये बताइए मुझे, माल्टोज और ट्रिहलोज में क्या सिमिलैरिटी है, माल्टोज में भी अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है 2, ट्रिहलोज में भी अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है 2, बट माल्टोज में रिएक्शन हो रहा है, बॉन्ड टाइप है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट हियर इन केस ऑफ ट्रिहलोज बताइए ये बॉन्ड है अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बोथ एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो जाएंगे किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। सोचिए, अब सारा स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, सोचिए ना, ग्लूकोज है अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है, अल्फा कार्बन नंबर फर्स्ट एनोमेरिक होता है एक ग्लूकोज का, और ट्रिहलोज के फॉर्मेशन में दूसरा ग्लूकोज का भी कार्बन नंबर फर्स्ट ही इन्वॉल्व हो जाएगा, तो दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो कोई भी एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा, नहीं होगा। तो बताइए ट्रिहलोज रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग, तो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग। तो अभी हम लोगों ने डाइसैकेराइड में ये 4-5 एग्जांपल जो देख रहे हैं सामने, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो एक सुक्रोज है जो नॉन रिड्यूसिंग है,
और दूसरा ट्रेहलोज है जो नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये फाइनली हम लोगों ने डाइसेक्राइड स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सुक्रोज के बारे में बोल चुके हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है ये, लैक्टोज के बारे में बोल चुके हैं और ट्रेहलोज के बारे में भी बात हो गई, सेलोबायोज हम लोगों ने देख लिया है, देख लिया ना। और इसके बाद है ऑलिगोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड सेक्राइड मतलब फ्यू 3 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ऑलिगोसेक्राइड और आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी गेट 3 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट, समझ रहे हैं। 3 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट हम लोगों को मिलते हैं अगर किसी ऑलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ट्राइसेक्राइड के बारे में, ट्रायोज नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्राइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड का मतलब है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोसेक्राइड यूनिट, 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बनता है तो क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्राइड बोलते हैं, जिसमें रेफिनोज बहुत कॉमन है। रेफिनोज में क्या है, एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, एक फ्रुक्टोज है, समझा आपने, एक ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज, एक फ्रुक्टोज, ये सामने स्ट्रक्चर भी है किसका है बताइए, ये सामने में रेफिनोज दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैक्योज का, स्टैक्योज क्या है, टेट्रासेक्राइड है, टेट्रा मतलब 4 मोनोसेक्राइड मिलेंगे, तो स्टैक्योज के फॉर्मेशन में 2 गैलेक्टोज यूनिट होंगे, एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रुक्टोज होगा, तो हो गया ये स्टैक्योज। एक है वर्बेस्कोज, वर्बेस्कोज पेंटासेक्राइड है कंपोज्ड ऑफ 5 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, समझ रहे हैं ना, और इन 5 में 2 गैलेक्टोज है, 2 ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। तो इस तरह से आप ऑलिगोसेक्राइड को हम लोगों ने देख लिया है और लास्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीसेक्राइड, समझ रहे हैं।